हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी देखिए छत के ऊपर है ना, मैं कपड़े लेने के लिए आई हूँ और आज का ब्लॉग ना शाम को ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं 23 और मंडे है, तो ये देखिए छत के ऊपर ना बहुत अच्छा हवा चल रहा है। हम कब से छत के ऊपर आ गए हैं और बच्चों के साथ ना इधर थोड़ा खेल रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। ये टाइम है ना मेरे फ्री का टाइम होता है, तो इस टाइम में मैं बच्चों के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करती हूँ अच्छे से। और छत के ऊपर है ना इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को तो ज़्यादा गर्मी होता है, शाम का टाइम थोड़ा अच्छा होता है और छत के ऊपर इधर बहुत अच्छा हवा चल रहा है और सनसेट का टाइम है, तो मैं देख रही थी और मुझे बहुत इधर अच्छा लग रहा था। मन नहीं कर रहा था कि नीचे जाऊँ, फिर नीचे तो जाना पड़ेगा, घर का काम और है तो करना पड़ेगा। तो इधर मैंने सारे कपड़े मेरे उठा लिए हैं और इधर देखिए कृष्णा को, उसका जो जॉइंट वाले खिलौना है ना वो लेके आया है और बैठ के इधर खेल रहा है। दूसरे तरफ है ना बुबू, उसको वो पौधे में पानी दे रहा है। तो ऐसे छत के ऊपर हमने बहुत टाइम अच्छे से स्पेंड किया है। फिर इधर देखिए मैं आ गई हूँ अभी किचन में और ये है ना आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। ये सोयाबीन का नाश्ता, सोयाबीन जो चंक्स होता है ना उसका, उसको अभी मैं थोड़ी सी बॉयल की हूँ, मतलब अब गर्म पानी में थोड़ी सी डाल दी हूँ। इसका पकौड़ा बनाऊँगी। तो बेसन का बैटर इधर मैंने रेडी करके रख लिया है, साथ में इधर मेरे तेल गरम हो रहा है, तो अभी मैं उसका पकोड़ा बना लेती हूँ। बच्चे सब बैठे हैं खाने के लिए और बुबू का है ना म्यूजिक क्लास है, तो वो खा के म्यूजिक क्लास जाएगा। मैं उसको लेके म्यूजिक क्लास में छोड़ के आऊँगी, हस्बैंड घर पर है नहीं तो वो जाएंगे। तो इधर मैं पकौड़े तल रही हूँ, तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो है ना पकौड़े जल रहे हैं थोड़े थोड़े। एक बार ना मैं जल्दी जल्दी करके निकाल दिए हूँ। अब देखिए ये पकौड़े इस बार बहुत अच्छा बना है, तो मेरे पकौड़े बन के अभी रेडी हो गए हैं और बुबू कृष्णा को मैं दे देती हूँ खाने के लिए। बच्चे अभी शाम को स्नैक्स करके है ना फिर जाएंगे बुबू म्यूजिक क्लास में और कृष्णा ना थोड़े से मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करेगा। तो दोनों बच्चे इधर देखिए पकोड़े खा रहे हैं और ये देखिए हमारे घर में क्या हो गया है, ये जो बारिश के बाद जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उड़ती दीमक है ना, वो सब आके भर गए हैं पूरा घर में और गर्मी से पसीना निकल रहा है। ये दीमक है ना पूरा घर में भर गए, तो थोड़ी देर के लिए हमने घर को पूरा लाइट ऑफ कर दिया था और बुबू को लेके मैं चली गई थी म्यूजिक क्लास में। और म्यूजिक क्लास में उसका कोई वीडियो में बनाई नहीं हूँ। तो इधर देखिए आने के टाइम में आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा लेके आई थी, हस्बैंड एक्स्ट्रा पैकेट लेके आए थे, वो भी ख़त्म हो गया था इस बार। फिर ये ना मैं अभी अभी लेके आई हूँ दुकान से और तो इसको मैं अभी भर रही थी। बुबू भी आ गया है म्यूजिक क्लास से, थोड़ी अभी टाइम ना 9 बज रहे हैं, हस्बैंड जाके उसको लेके आए। जाने के टाइम मैं गई थी छोड़ने के लिए, तो ये लेके आ गई थी। तो ये जो है ना उड़ती दीमक, ये पूरा घर में भरे हुए थे तो लाइट ऑफ था 1-1.5 घंटे तक। फिर ये सब चले गए जाने के बाद मैं इधर आटा भर के आटा अभी गूंध लिया है, रोटी बना रही हूँ। साइड में मेरी सब्जी पक रही है, आज मैं है ना वो लौकी का सब्जी बना रही हूँ, लौकी और साथ में चने दाल, उसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। और इधर देखिए मसाला पक रहा है अच्छे से, प्याज टमाटर और सारे पाउडर मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इधर देखिए लौकी और स्नैक बीन्स इसमें मैंने ऐड किया है चने डाल के साथ। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो मेरा सब्जी और रोटी बन के रेडी हो गया है आज का डिनर। तो अभी चलते हैं डिनर करने के लिए। बच्चे हैं ना दोनों अभी आ गए हैं घर पे है, तो ये लास्ट में मैं उसमें कुछ धनिया के पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा सब्जी तो अच्छे से रेडी हो गया है, साथ में दही लेके आए हैं। रात को तो दही नहीं खाते हैं, पर हस्बैंड को बच्चों को ना दही थोड़ा पसंद है, तो ये सब्जी के साथ रोटी के साथ सब थोड़े थोड़े दही लिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी सब डिनर करके चले गए हैं छत के ऊपर और सारे सामान देखो फैला पड़ा हुआ है बर्तन। वो लोग जब छत के ऊपर मस्ती कर रहे हैं तब तक मैं ये बर्तन क्लीन करके किचन क्लीन करके फिर फ्री हो जाती हूँ। तो ये देखिए ये सब्जी भी पड़े हैं, तो ये सब्जी को मैं रखूँगी टिफिन में भर के अंदर रख दूँगी।
और साथ में ये हमारा ब्रेकफास्ट के लिए कल हो जाएगा। और ये बर्तन पड़े हैं, वो बर्तन सब क्लीन करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे सारे बर्तन है ना अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और बर्तन के नीचे इधर थोड़े जो पानी आ गए थे उसको मैं कॉटन में क्लीन कर रही थी। तो गैस स्टोव को और किचन काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर लिया है। लास्ट में थोड़े से पानी लूँगी पीने के लिए। बच्चे और हस्बैंड छत के ऊपर से सब आ गए हैं, अब जाते हैं रेस्ट करने के लिए। आज का ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर देखिए, मेरे तो सारे काम हो गया है, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।